घर जाएगा तब मुसलमान नहीं अंदर हम डायरेक्टली आप खोल अभी मुन्ना आया है घर पे अपने ब्याज घर पे आया है तो मोहन उसको लेके आया है अभी उसको मेघा एक्सेप्ट करती है नहीं एक्सेप्ट करती है कैसे रिएक्ट करती है तो वही सीन है अंदर सारे घर के सदस्य हैं सारे घर के परिवार के लोग हैं तो सारे घर के सदस्य हैं सारे घर के परिवार के सारे लोग हैं जीजी बुआ रेनू जी सब लोग घर में हैं तो अब ये देखना है कि मेघा मुन्ना को एक्सेप्ट करती है कि नहीं एक्सेप्ट करती वही सीन है एक्साइटमेंट तो नहीं है क्योंकि मुन्ना जैसे सबको पता है कि एक नेगेटिव है थोड़ा सा बुरे काम करता है और मोहन के पीछे था परिवार के पीछे था तो एक्साइटेड तो नहीं है थोड़ा सा डर भी है लोगों में और इतनी खुशी नहीं है कि वो आया है तो बड़ा ही जो माहौल है वो बिल्कुल अजीब सा माहौल है बिकॉज अभी कुछ कंफर्म नहीं कि क्या होने वाला है तो संदेहजनक सा माहौल है भी सब सीरियल के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये टुवर्ड्स अभी यहाँ पर समझ में आएगा कि मुन्ना को एक्सेप्ट मोहन तो कर चुका है मेघा करती है कि नहीं क्योंकि एक माँ का दिल अपने बेटे को प्यार तो करता ही है लेकिन अगर वो बेटा सही नहीं करता है अच्छा काम नहीं कर रहा है तो माँ उसको कितना एक्सेप्ट करती है गलत होने के बावजूद वो देखना है हाँ वो एक ऐसा सीक्वेंस था कि जब मुन्ना जो है वो मारना चाहता है डॉक्टर को गवाह को ताकि मोहन को बेल ना मिले तो बीरा वहाँ पहुँच जाता है और उसे ऐसा करने नहीं देता है और मोहन जेल से छूट जाता है तो वो सीक्वेंस था काफ़ी अच्छा सीक्वेंस था चोट वोट भी लगी लेकिन मज़ा आया बारिश का सीज़न तो मैं हमेशा चाहता हूँ मैं चप्पल ही पहनूँ जैसा कि मैंने अभी चप्पल पहनी भी हुई है तो ताकि मुझे आप जूते पहन नहीं सकते ख़राब हो जाते हैं 3/4 पहनना पसंद करता हूँ बारिश में टी शर्ट्स थोड़ा कैजुअल कपड़े मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ फिलहाल हमें टाइम तो मिल नहीं पड़ता है अपने मनपसंद कपड़े पहनने का क्योंकि ज़्यादातर हम ये कपड़े ही पहनते हैं और घर जाके अपने सोने के कपड़े पहनते हैं एक्चुअली ये कोइंसिडेंस था मैंने बाल बढ़ाए हुए थे और उस समय वो एक ऐसे एक्टर की तलाश कर रहे थे जिनके बाल थोड़े बड़े हों तो संयोग था कोइंसिडेंस था कि उन्हें एक ऐसा मिला और मुझे एक ऐसा रोल मिला तो मैंने कभी जिंदगी में इतने बाल बढ़ाए नहीं है इस बार पहली बार इतनी बाल और दाढ़ी बढ़ाई है तो कैरेक्टर के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा चीज़ मिली मुझे करने को नविका अभी बीरा से रूठी हुई है क्योंकि बीरा ने सच बताया कि वो दद्दा के कहने पे उसे शादी की थी बदला लेना चाहता था तो अभी तक नविका उससे रूठी हुई है बीरा पूरी कोशिश कर रहा है पुरजोर कोशिश कर रहा है कि उसे मिल जाए उसे अपने प्यार के बारे में बताना चाहता है मजबूरियों के बारे में बताना चाहता है लेकिन अभी तक रूठी हुई है मुझे लगता है इस सीरियल की एक बहुत अच्छा टीम वर्क है राइट फ्रॉम डायरेक्टर्स टू क्रिएटर्स टू एक्टर्स सारे एक्टर्स इस शो के बहुत अच्छे हैं तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी यूएसपी है राइट फ्रॉम मोहन टू मेघा टू नविका टू एवरी कैरेक्टर इज मुन्ना इवन मनीष जो स्मॉल कैमियो के लिए आया था एवरीबडी सुपर्ब इन दिस बहुत खुशी मिलती है बिकॉज हम एक्टर्स जो हैं अप्रिसिएशन के लिए काम करते हैं तालियों के लिए काम करते हैं तो जितनी हमें अप्रिसिएशन मिले हमें उतना हार्डवर्क करने का मोटिवेशन मिलता है क्योंकि ये एक आसान इंडस्ट्री नहीं है बिकॉज हमें 12-12, 14-14 घंटे काम करने पड़ते हैं और कभी नींद पूरी नहीं हो पाती कभी थके रहते हैं तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है तो ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशन है हमारे लिए थैंक यू वेरी मच ठीक है गलेर तो नहीं आ रहा है सेट पे अभी तो फिलहाल हम लोगों को अभी भी स्क्रिप्ट मिला है रिसेंटली आपने जैसे देखा होगा पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है कि हम कोशिश कर रहे थे ये फाइंड आउट करने की कि हम रियली अद्दू है कौन एंड आई थिंक आज उस चीज़ का खुलासा होने वाला है बीच में और भी ड्रामा हुआ है रिमझिम को ऑलमोस्ट पता ही चल गया कि मोहन जी उसके रियल फादर नहीं है तो आई थिंक वही सब उसी सब ड्रामा में आज हम खेलने वाले हैं सो लेट्स सी लड़के किसी
वहाँ तक तो हम लोग पहुँचे भी नहीं हैं, स्क्रिप्ट मिली नहीं है। स्क्रिप्ट आजकल हमें बहुत कट्टो कट मिलती है, तो जैसे ही मिलेगी आपको पता ही चल जाएगा अंदर किसकी एंट्री होने वाली है। तो बात करें मीरा और आपका क्या चल रहा है? मीरा और मेरा अभी भी नाराज़गी ही चल रही है। मुझे पता चल गया, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा ही होगा कि वो जो भी कर रहा था दादाजी की वजह से कर रहा था। सो आई हैव नॉट टेकन इट वेरी स्पोर्टिंगली, क्योंकि उस चीज़ अपनी शादी के लिए मैं अपने स्पाइडरमैन तक से बहस कर बैठी थी, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था एंड उससे धोखा मिला जिससे मैंने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। जैसे आपने नन्नी का कैरेक्टर देखा होगा, बहुत ही वो किसी पे विश्वास वगैरह नहीं करती थी, अब किया तो मुंह की खानी पड़ी। सो आई थिंक बहुत बड़ा झटका लगा उसे। लाइफस्टाइल की बात करें, नन्नी का किस तरह कपड़े पसंद है, बारिश का सीजन है, खाने में और क्या किस तरह कपड़े? कुछ भी पहनती हूँ यार, आई अवॉइड जीन्स, दो जीन्स नहीं पहनती, उसके अलावा कुछ भी पजामी शॉर्ट्स सब कुछ चलता है मुझे। बारिश के मौसम के लिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं सोचती मैं, जो हाथ में आए पहन लेती हूँ। फिटनेस का लाइफ, फिटनेस मंत्र क्या है अगर आप बात करें? फिटनेस मंत्र कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ खाती हूँ मैं और खाने की बहुत शौकीन हूँ, तो ट्राई करती हूँ कि रात का खाना 7 बजे के बाद ना खाऊं, बस ट्राई करती हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। थैंक यू। मेकअप सब फील्ड में हो रहे तुम लोग।